अभी जा सेजो आमारी मतलब आमारी दिकरी सेजल खोटू नहीं कहो ऐसी शांत है कि गौ माता भी क्या शांत होगी और संस्कारों में एकदम देसी। सेजल ने जानबूझकर तुम्हें अंदर भेजा लेकिन अब सेजल को समझना होगा कि प्यार छीनने नहीं पाने और देने की भावना होगी। मैंने कहा था ना तुमसे अगर अपने हक के लिए लड़ना पड़े तो पीछे मत हटना। तुम सिर्फ अपने प्यार पर विश्वास रखो। हमारी दिकरी गुणों में तो नंबर वन है और घर के कामकाज में एकदम होशियार और ऐसी शर्मीली है ऐसी शर्मीली कि जैसे अपना ऋषभ है ना बस वैसी ही। बड़ी तकलीफ से मैंने इसे पाला है सारे संस्कार मैंने अकेले ही इसे दिए हैं। काकी जी ने बिल्कुल सही कहा उन्होंने कभी अपनी दोनों बेटियों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया। मेरा मतलब सेजल और जागृति में कभी काकी जी ने भेदभाव नहीं किया। है ना काकी जी? जय श्री कृष्ण आंटी जी। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण अंकल। जय श्री। माँ अगर आपने कुछ किया नहीं ना तो जागृति शुभम से छीन लेगी फिर आपको पता ना मैं क्या करूंगी। अरे बाबा शांत है हमारी दिकरी तो कुछ नहीं करेगी तो ऋषभ से शादी करेगी। इस खेल का जो मेन पत्ता है ना सेट करके रखा है ना कि तेरी शादी ऋषभ के साथ तय होगी। रोती बिलकती तो जागृति यहाँ से जाएगी चिंता न कर। पता नहीं क्या हुआ है भारत को कितने मैसेज भेज चुकी हूँ पर जवाब ही नहीं दे रहा है। हिंदू वो बता रही थी कि आपको कुछ जरूरी बातें करनी है हमसे। जी दादाजी बात तो बहुत जरूरी है इसलिए हम खुद चलकर आए यहाँ पर। आखिर ऋषभ की पूरे जिंदगी का सवाल है ना। कहिए ना। मैं चाहती हूँ कि हमारे बात करने से पहले इंदु अगर बोले तो अच्छा है। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें। वो भाई साहब इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली। हमारा परिवार भी एक दूसरे को जानता है। हम सोच रहे थे कि क्यों ना इस दोस्ती को एक कदम आगे बढ़ाकर रिश्तेदारी में बदला जाए। अच्छे दोस्तों वाली पहचान। अरे हम भी तो इसी सिलसिले में बात करने आए थे। इसका मतलब ऋषभ और जागृति का रिश्ता पक्का हुआ। जागृति
मैंने तो सोचा था कि मैं सब समझ रही हूँ। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैंने तुम्हारी मन की बात कैसे पहचान ली? अरे जागृति है ही खरा सोना, इसको अपने घर की बहू बनाना कौन नहीं चाहेगा। हा? भाई हमें तो जागृति बहुत पसंद है। ऋषभ ने भी रिश्ते के लिए हाँ कह दी है। मुझे नहीं लगता जागृति को कोई परेशानी होनी चाहिए इससे। आंटी जी, हमारी जागृति को क्या ऐतराज हो? और वैसे भी ऋषभ से अच्छा लड़का हमारी जागृति को थोड़ी मिल सकता है। हमारे दिल निभा सीजल के प्यार की तो आट लग गई। पर ये दोनों एक दूसरे को देख देख के ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे एक दूसरे को पसंद करते हैं। प्यारे लाल मिठाई लाओ, सबका मुंह मीठा करवाओ। देखो सच्चा प्यार कभी नहीं हारता। थैंक यू भाभी, को विश्वास बिल्कुल सही था। जागृति यहाँ हो ना बेटा। हाँ जा। तेरी हालत मुझसे ज्यादा कौन समझेगा सेजल? पन दो प्यार करने वालों के बीच में आना ठीक भी तो नहीं है ना। अपने दिल को मेरे जैसा खड़ा कर और जो हो रहा है होने दे, इसी में सब खुश रहेंगे। दो प्यार करने वालों को साथ साथ होना चाहिए हमेशा। जैसे पारथ और सर्वरी के बीच में कोई नहीं आ सकता, वैसे तुझे भी अपने सबको भूलना होगा। कुछ लोग एक दूसरे के लिए बने होते, उन्हें किसी का भी प्यार अलग नहीं कर सकता है। अब जब रिश्ता तय हो गया है तो लड़के वाले होने के नाते शगुन तो बनता है ना। ऐसे ही सुखी रहना और मेरे बेटे को भी खुश रखना। मुझे वचन दे कि तू मेरी सेजू को अपने हाथों से सजाकर ऋषभ के साथ विदा करेगी। मैं वचन देती हूँ ऐसा ही होगा। इंदु, तूने एक बार फिर मेरे साथ धोखा किया है, पर इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या कह रही हैं मोती बहन? आपने खुद देखा, मैं सेजल की बात छेड़ने ही वाली थी कि उन लोगों ने जा। रहवा दे इंदु, रहवा दे। तू चाहती ही नहीं थी कि मेरी बेटी का रिश्ता हो, पर मैं ही मूर्खी थी जो तेरी बातों पर भरोसा कर बैठी। मैं सेजल का रिश्ता नहीं चाहती थी तो मैं आपसे वादा ही क्यों करती? अरे बल्कि मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि हमारी सेजल का रिश्ता इतने अच्छे घर में होने जा रहा है कि खुश इसे बेवकूफ बना रही है। तू तो अंदर से जल रही थी, तेरे दिल में आग लग गई थी कि मेरी बेटी का रिश्ता तेरी बेटी से पहले कैसे हो सकता है। इसीलिए मुझे बिना बताए भनक तक नहीं पड़ने दी और तूने पूरी बाजी ही पलट दी। तू नहीं कहो इंदु, वचन के नाम पर तूने मेरी पीठ पर छुरा भोंका है। आज एक बार फिर से तूने मेरे भरोसे का और हमारे रिश्ते का खून किया है। सालों पहले
मेरे जीवन में खुशी आ रही थी, तभी भी तूने मेरा हक मार लिया, और आज आज अपनी बेटी को आगे करके मेरी बेटी का हक भी खा गई। वाह इंदु वाह, कहूं पड़े हो, आखिर तूने अपना असली रंग दिखाई दिया ना। मेरी बेटी का तमाशा बनता रहा और तू तू चुपचाप देखती रही, कुछ बोली ही नहीं। अगर तू चाहती तो जब ऋषभ की माँ ने जागृति का नाम लिया तब तो तू बोल सकती थी ना कि जागृति नहीं सेजल, सेजल के साथ ऋषभ का रिश्ता होना चाहिए, पर नहीं तू कुछ नहीं बोली, चुपचाप सब कुछ देखती रही। ठीक वैसे ही जैसे रमणीक का रिश्ता मेरे लिए आया था और तेरा नाम लिया गया और तू चुप रही, और आज भी चुप रही। तब भी तूने मुझे धोखा दिया था और आज तूने मुझे और मेरी बेटी को धोखा दिया, क्योंकि तू चाहती नहीं थी कि मेरी बेटी का रिश्ता ऋषभ के साथ हो। मेरी बहन आप जैसा सोच रही है सब बिल्कुल नहीं है, मेरा यकीन मानिए, मेरे लिए जैसी जागृति है ना वैसी ही सेजल है। जैसी जागृति वैसी ही सेजल है तेरे लिए। बस कर इंदु बस कर, श्रीनाथ जी से तो डर, अब मुझे ना तेरी इन बातों पर भरोसा नहीं होने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप मेरी बात सुन। ये जो देख रही है ना, ये मेरी मांग सुनी है, वो तेरी वजह से है, और आज मेरी बेटी की भी मांग सुनी रह जाएगी, वो तेरी और तेरी बेटी की वजह से। मेरी बेटी का प्यार अधूरा रह जाएगा। याद रखना इंदु, इस बात को मैं भूलने वाली नहीं हूं। रो क्यों रही है इंदु, तुझे तो खुशियां मनानी चाहिए ना, तो मना, खुशियां मना इंदु। मेरी बेटी के अरमानों का गला घोट कर अपनी बेटी का संसार बसाना चाहती है ना, लड्डू बा ढोल नगाड़े पिटवा। और एक बात याद रखना, मैं तुझे कभी माफ नहीं करने वाली, और सुन एक माँ की बद्दुआ है ये। तेरी बेटी के संसार के लिए मेरे दिल से बद्दुआ के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा। तू और तेरी बेटी कभी खुश नहीं होंगे। वैसे बहुत बार मैसेज कर चुकी हूँ, पता नहीं तू तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, पर मेरे मैसेज पढ़ भी रहा है कि नहीं। पारा था कि ऐसा क्या कर दिया मैंने, तो तू मेरे से इतना नाराज है, जवाब भी नहीं दे रहा। कम से कम एक बार फोन तो उठा ले, तब ना पता पड़ेगा हुआ क्या है। ऐसा क्या करूं मैं कि तुम्हें मुझ पर फिर से दोबारा विश्वास हो जाए। तो आज की बार टेनी से बात मत करना। टेनी, तुम्हारे सवालों का जवाब है मेरे पास, लेकिन बोल नहीं सकता कि तुम्हें क्यों इग्नोर करना पड़ता है। अपने पारक को मेरे मैसेज का रिप्लाई करने का रास्ता दिखाने की बजाय क्या फोन बंद करने का रास्ता दिखा दिया, फोन बंद करके बैठा। पारक तू मेरे को बताएगा नहीं, तू मेरे से क्यों नाराज है, तू मेरे को कोई सपना थोड़ी ना आएगा। और मेरे को भी याद नहीं आ रहा मैंने ऐसी कौन सी हरकत कर दी, टूट गया है मेरे से। एनी, ये लड्डू है। अभी मेरा कुछ खाने का मन नहीं है सरवरी, ले जा इन लड्डुओं को। ये तुम्हारे मन को ठीक करने के लिए नहीं है टेनी, तुम्हारे और हमारे होने वाले बच्चे की अच्छी सेहत, तुम दोनों को इसकी जरूरत है। वाले नहीं है टेनी, ये सौंठ के लड्डू है, थोड़ा थोड़ा करके खाओ।
प्रेगनेंसी में अच्छा होता है। लड्डू मैं नहीं खा सकती, पहले तूने ही मेरी आदत छुड़वाई मिर्ची और चटपटा खाने की, अभी तू मेरे को मिर्ची वाले लड्डू खिला रही है। मैं नहीं खा सकती इनको, ले जाके फेंक दे, मैं नहीं खाऊंगी इनको। ये क्या किया टेन? टेन ये कोई तरीका नहीं है, सारे लड्डू तुमने गिरा दिए। प्रेगनेंसी में हर औरतों को खाना पड़ता है, समझी तुम? और तुमको स्पेशल नहीं हो जो तुम्हारे लिए अलग लड्डू बनाए जाए। क्यों नहीं बन सकते इसके लिए अलग से लड्डू? चले कह रही है कि लड्डू कड़वे हैं, तो इसमें शहद बढ़ा नहीं सकती हो तुम? जो भी हो, ये कोई तरीका नहीं इससे बात करने का शौर्वरी। आगे से ध्यान रखना। माफ कर दे, मेरी वजह से इंदु माँ तेरे को इतना सुना के चली गई, पर मैं भी क्या कर, सुबह से एक तो मेरी पारत से बात नहीं हुई है, ऊपर से तू मेरे को एक कड़वे मिर्ची वाले लड्डू खिला रही, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। सॉरी, तो इसको क्या हो गया? पारत का नाटक कम था, तो अभी ये भी शुरू हो गई, तो नू हम किस किस को संभालेंगे? सौंठ के लड्डू बनाने आते भी हैं या मैं सिखाऊं? आते तो नहीं है लेकिन बना लूंगी। माँ बनने का अनुभव तो है नहीं, बनाओगी कैसे? माना कि मैं माँ नहीं बन सकती, लेकिन माँ बनने का सुख है मेरी किस्मत में। टेनी की गर्भ में पल रहा बच्चा मेरा और पार्थ का ही है। जानती हूँ कि आप बहुत नाराज हैं मुझसे, अपने प्यार जो इतना लुटाया, नाराज होने का भी हक है आपको। तो क्या है ना, इस घर से मेरा बहू का नाता है ना, तो प्यार दुलार फटकार तो लगा ही रहेगा। टेनी की तरह बाहरी थोड़ी ना हूँ,